Everyone, in my last video we have discussed about the some part of chapter number 10, that is magnetic field due to electric current, subject physics for standard 12th Maharashtra State Board. Okay, so in our first video we have already discussed about the magnetic and electric force and the cyclotron. Okay, this time in this particular is our new topic from the chapter 10, magnetic field due to electric current. Okay, so cyclotron accelerator, particle accelerator played a very vital role on providing high energy, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर पार्टिकल एक्सीलरेटर प्लेड अ वेरी वाइटल रोल ऑन प्रोवाइडिंग हाई एनर्जी. दैट मीन्स जो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूवमेंट कर रहा था. ओके, है ना, सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल आपके पास अवेलेबल है. वो चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा था, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, मैंने एक सर्कल का डायग्राम बनाया था और उस सर्कल के डायग्राम में वी वेलोसिटी करके दिया था आपको टेंजेंट में. ओके, तो वो पार्टिकल क्या कर रहा था, वहाँ कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा था. ओके, तो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूवमेंट कर रहा है, अगर हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सीलरेशन प्रोवाइड करते हैं. अकॉर्डिंग टू सर्कुलर मोशन जब आप एक्सीलरेशन प्रोवाइड करते हो तो उसके ऊपर क्या एक्ट करता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोर्स एक्ट करता है. ओके, तो यहाँ पर जब आप एक्सीलरेशन प्रोवाइड करोगे तो वहाँ क्या डेवलप होगी, हाई अमाउंट की एनर्जी डेवलप होगी. ठीक है, क्या डेवलप होगी, हाई अमाउंट की एनर्जी डेवलप होगी. अब सपोज करो ये जो पॉइंटर है रेड कलर का मेरे स्क्रीन पे, ओके, ये एक चार्ज पार्टिकल है. अब ये सर्कुलर डायरेक्शन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये आपका हो गया एक सर्कुलर डायरेक्शन. ओके, अब इसके ऊपर हमने क्या किया, एक एक्सीलरेटर अप्लाई किया, यानी क्या कर रहे हैं हम, इसकी स्पीड को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो एक्सीलरेट होगा. जैसे ही एक्सीलरेशन एक्सीलरेटर हम अप्लाइड करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल से यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, डेवलप होगी. ठीक है, द साइक्लोट्रॉन इज नथिंग बट द चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटर विच कैन एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जीज. तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी मशीन है जो चार्ज पार्टिकल को क्या करती है, एक्सीलरेशन प्रोवाइड करती है. ओके, जिसकी वजह से पार्टिकल में क्या आता है, एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. ओके, दिस फिनोमिना हैज बीन इन्वेंटेड बाय द लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन द ईयर 1934. तो ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों ने क्या किया था, ईयर 1934 और 1930s के आसपास में, कुछ बुक और नेट में आपको 1930s दिखेगा. ओके, इन्वेंटेड बाय द लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन इन द ईयर 1934 फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर. तो उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के स्टडी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर फिनोमिना को क्या किया था, डेवलप किया था. ओके, इन साइक्लोट्रॉन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर यूज्ड एंड बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर वी कैन से इट हैज क्रॉस फील्ड. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, साइक्लोट्रॉन में दोनों भी फील्ड यूज में आ रही है. एक फील्ड क्या है आपकी, एक है मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी फील्ड कौन सी है, दूसरी है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों भी यूज में आ रही है और वो दोनों भी फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर में है. तो जब बोथ द फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो डैट वी कैन से देम एज अ क्रॉस्ड फील्ड, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रही है, वहाँ पर क्रॉस कर रही है. ओके, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्रॉस्ड फील्ड भी बोल सकते हैं. एज द पार्टिकल एक्सर्ट फोर्स ड्यू टू बोथ फील्ड, सो ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स on charged particle it starts moving in circular motion and electric field of high frequency accelerating it. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर दोनों भी फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, दोनों भी फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन डेवलप
होगा, हाई फ्रिक्वेंसी का एक्सीलरेशन डेवलप होगा। समझ में आया? ठीक है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, सो द मशीन साइक्लोट्रॉन इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फ्रिक्वेंसी डेवलप हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जर्ट होने की वजह से या बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, वो इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है एनर्जी से, है ना। हाँ, सो इसी प्रिंसिपल को क्या किया गया है, एडॉप्ट किया गया है साइक्लोट्रॉन मशीन को डेवलप करने के लिए, कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन रहेगा वो चार्ज पार्टिकल के एनर्जी से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। ओके, उसका चार्ज पार्टिकल की एनर्जी के इसमें कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी, या उसका चार्ज पार्टिकल की एनर्जी अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाती है बिकॉज ऑफ द सम रीजन जो हम आगे देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर वो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होते जाएगी तो फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। तो ये है आपके बुक का डायग्राम। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये क्या किया गया है, ये एक डिस्क है। ओके, इसमें क्या हो गया, ये एक सेमी सर्कल हो गया आपका और ये दूसरा सेमी सर्कल हो गया। अगर आप इसको एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन देंगे तो ये एक सर्कुलर पार्थ हो गया, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, बीच में एक डिस्क अप्लाई करके हाफ हाफ यानी कि सेमी सर्कल में डिवाइड कर रहे हैं। डेट मीन्स एक साइक्लोट्रॉन में क्या अवेलेबल होगा, दो सेमी सर्कल अवेलेबल होंगे, दो सेमी सर्कुलर पाथ होंगे। सपोज करो एक D1 है और दूसरा क्या है, D2 है। ये किसके समान वर्क करने वाले हैं, ये दोनों मेटल चेंबर के समान वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेक्शन में वैक्यूम भी डेवलप होगा, एक पर्टिकुलर सेक्शन में मैग्नेटिज्म डेवलप रहेगा और एक पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जर्ट होगी, यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्क आ गया, इसको हम डिस्क बोल सकते हैं। डिस्क के ऊपर का एरिया जो है वो हाफ सेमी सर्कल बना रहा है, उसको हम डी वन बोल सकते हैं, नीचे का जो एरिया है उसको हम डी टू बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट पी दिया हुआ है या ये जो पॉइंट अवेलेबल है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, यहाँ से आयन सोर्स है, ये पॉइंट क्या है, एक आयन सोर्स है, जहाँ से कंटिन्यूसली क्या होता है, पॉजिटिव आयन्स क्या होंगे, कंटिन्यूसली फ्लो होंगे। ठीक है, क्योंकि आयन सोर्स है तो सोर्स से हमको क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन्स मिलेगा। अब ये पॉजिटिव आयन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मूवमेंट कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग मूवमेंट में है वो फिलहाल, क्योंकि पार्टिकल जो मूवमेंट में आ रहा है या सर्कुलर मोशन या सर्कुलर पाथ को गेन कर रहा है वो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गेन कर रहा है। ओके, किसके अकॉर्डिंग गेन कर रहा है, वो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पाथ आयन फॉलो कर रहा है सर्कुलर पाथ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब आपने क्या किया है, इस डिस्क के अक्रॉस में एक एसी सप्लाई अप्लाई कर दिया है। ये एसी सप्लाई जो होती है ये काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, अप टू 10 मेगाहर्ट्ज़ की इसकी फ्रिक्वेंसी होगी और अप टू 10,000 वोल्ट वो यहाँ अक्रॉस में क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पाथ सर्कुलर था आयन का, अब आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दी तो उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। तो इसकी वजह से ये जो आयन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन गेन करेगा। अब क्योंकि वो एक्सीलरेशन गेन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसमें देखो ये सर्कुलर पाथ है, ये मेरा पॉइंटर है, ये मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ। ओके, इसको अगर मैं एक्सीलरेशन देता हूँ तो एक्सीलरेशन आने की वजह से ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस तरीके से बाहर की तरफ जाने लगेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको इफेक्ट करेगी, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सीलरेशन प्रोवाइड किया, उसने अपना एरिया अपना पर्टिकुलर पाथ छोड़ के क्या किया, एक दूसरा पाथ फॉलो किया। अब मैग्नेटिक फील्ड फिर उसके ऊपर एक्ट करेगी तो ये यहाँ पर क्या होने लगेगा, फिर दूसरा सर्कल बनाने लगेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आएगा तो फिर वो अपने पाथ को छोड़ देगा, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगी। तो यानी ये कंटिन्यूसली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर कंटिन्यूसली वर्क करेगी। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो हो रहा है, जो मैंने अभी तक बोला, ये कैसे होता है, ये एक्चुअल में D1 और D2 के बीच में होता है। यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। अब जब चार्ज पार्टिकल यहाँ से शुरू हुआ मूवमेंट करना, तो वो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ मूव करेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
सर्कुलर पाथ गेन करेगा बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी तो वो अपने एक्चुअल रेडियस को क्या करेगा, चेंज करेगा और उसकी रेडियस इंक्रीज होने लगेगी। तो कंटिन्यूसली ये एफर्ट इफेक्ट वर्क करता जाएगा और जैसे जैसे ये इफेक्ट यहाँ पर वर्क करेगा तो ये इस तरीके का एक स्पायरल बनेगा और जब इसकी रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। ओके, क्या होगा, एग्जिट करेगा, है ना। ठीक है, तो आगे मैं उसको और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये दूसरा डायग्राम है ना, ये आपके बुक का डायग्राम है। अगर एग्जाम में आपको आता है तो इस डायग्राम को ही आप यूज़ करोगे। ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है कि यहाँ पर आयन सोर्स है, ये आयन सोर्स यहाँ पर देखिए इस पाथ को फॉलो कर रहा है, उसके बाद उसकी एनर्जी बढ़ गई, एक्सीलरेशन मिला तो उसकी रेडियस भी बढ़ गई, फिर यहाँ पर उसको एक्सीलरेशन मिला तो उसकी फिर से रेडियस बढ़ गई, फिर उसके बाद उस ये देखो ये कवर करते हुए जा रहा है, अब उसको फिर एक्सीलरेशन मिलेगा तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा। ओके, तो ऐसा करते हुए अब ये लास्ट सर्कल को देखो आप, तो इसमें क्या हो रहा है, रेडियस जो है वो क्या हो जा रही है, मैक्सिमम हो जा रही है। क्या हो रही है, रेडियस उसकी मैक्सिमम हो रही है। जब रेडियस मैक्सिमम हो रही है तो उसके ऊपर अब जब मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। और एग्जिट होने के बाद किसी भी एक पर्टिकुलर टारगेट आप बना दो, वहाँ पर वो क्या करेगा, चला जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखो, तो फ्रॉम द फिगर, अब इसका एक्सप्लेनेशन है, आपकी बुक का जो फिगर है उसका एक्सप्लेनेशन है ये। फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट द सेमी सर्कुलर डिस्क नेम एज D1 एंड D2 विच कैन बी वर्क एज अ मेटल चेंबर। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया डायग्राम के। व्हेन वी प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क डेट इज DS, DS का मतलब जो D1 और D2 के बीच में ब्लैंक पाथ है और उसमें आप क्या किए हो, एक AC सप्लाई अप्लाई करके रखे, उसको हम डिस्क बोल रहे हैं। ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल प्रोड्यूस द फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला। इसको आपको याद रखना है, वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से डेवलप हो रही है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कितना अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है, 1.5 टेस्ला। ओके, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एन AC सप्लाई इज प्रोवाइडेड अक्रॉस द डिस्क, दैट AC सप्लाई विल गिव 10,000 वोल्ट एट अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी अप टू 10 MHz। ये भी बात मैंने आपको पॉइंट क्लियर की वहाँ पर। दस द पॉजिटिव आयन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गैस आयोनाइजिंग सोर्स विच इज एट पॉइंट ओ बिटवीन द टू डिस्क। दिस पॉजिटिव आयन्स गेट एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन करते समय पॉइंट बताया जहाँ से पॉजिटिव आयन्स क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूसली निकल रहे हैं और उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ गेन कर रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर पाथ वहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो एक सर्कुलर पाथ गेन कर रहे हैं और जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है तो वो अपनी रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, वो अपने रेडियस को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ड्यू टू एक्सीलरेशन दिस पॉजिटिव आयन्स स्टार्ट मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर पाथ डेट इज D। वेन एवर द चार्ज पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 1D टू द अदर D, देन द चार्ज पार्टिकल विल गेट एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2Ds। यानी अब जो रेडियस इंक्रीज हो रही है और एक्सीलरेशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जब D1 को कवर करके D2 में आता है पार्टिकल तब ऐसा होगा, जब D2 को कवर करके फिर से D1 में जाएगा तो ऐसा होगा। यानी दो बार उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन डेवलप हो रहा है, या आप बोल सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन D1 एंड D2 उसकी वजह से वहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन होकर हो रहा है और रेडियस उसकी क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। सो द चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू फॉलो द सेमी सर्कुलर पाथ एंड मूव फ्रॉम D टू D। इसलिए चार्ज पार्टिकल क्या है, एक पर्टिकुलर सेमी सर्कुलर पाथ को गेन करता है और वो एक D से दूसरे D की तरफ क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। ओके, इतना समझ में आया आपको। So as the electric field
is of alternating nature, so the sign we will get will be according to the motion of charge particle. यानी क्या हो रहा है, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं वो कौन सी सप्लाई दी है हमने, एसी सप्लाई दी है. एसी सप्लाई यानी अल्टरनेटिंग नेचर का प्रोवाइड किया. इसका मतलब एक बार क्या मिलता है हमको, पॉजिटिव मिलता है, और दूसरे बार क्या मिलता है हमको, नेगेटिव मिलता है. और उसकी अपनी क्या होगी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी भी होगी. तो उसी के अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो एक बार हमको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, डेट मीन्स अपर सेमी सर्कल D1, और एक बार क्या देगा, नेगेटिव देगा, डेट इज लोअर सेमी सर्कल D2. ओके, हेंस द पार्टिकल गेट एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली एंड देयर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑल्सो इंक्रीजेस. तो ये मैंने आपको जब फिगर एक्सप्लेन किया उस समय भी बताया कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी, और उस वजह से उसकी जो रेडियस है वो रेडियस क्या होते जाएगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जाएगी. और जैसे जैसे रेडियस उसकी इंक्रीज होते जाएगी, उसका सर्कुलर पाथ जो है वो क्या होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, है ना. और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम रेडियस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड अब उसके ऊपर अपना फोर्स एक्ट करेगी या एग्जर्ट करेगी. ओके, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो पार्टिकल वहां से एग्जिट हो जाएगा. ओके, जो फिगर नंबर 2 बताया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग आपको वो एक्सप्लेन किया था. ओके, लेट अ आयन सोर्स अवेलेबल एट पॉइंट पी एंड आयन स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन वन ऑफ द डी एंड द रीचेस अनदर डी इन अ टाइम इंटरवल ऑफ T/2. अब देखो, एक पूरे सर्कल को कवर करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगता है अपने को, टी. तो हाफ सर्कल को कवर करने के लिए कितना टाइम पीरियड लगेगा, T/2, उसका जस्ट हाफ. यानी एक सेमी सर्कल को कवर करने के लिए एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को कितना टाइम लग रहा है, T/2 अमाउंट का टाइम लग रहा है, या T/2 सेकेंड का टाइम लगता है. सो टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन द चार्ज पार्टिकल विल रिक्वायर्ड टाइम टी. ओके, देयरफॉर बाय द साइक्लोट्रॉन फार्मूला, यह हमने पिछले वीडियो में देखा था साइक्लोट्रॉन फार्मूला. अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन फार्मूला हमको क्या मिल जाता है, m into v is equal to qbr. यह हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1. वहां q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, q जो है वो चेंज इन आयन को रिप्रेजेंट करता है. किसको, चेंज इन आयन. देयरफॉर टी इज इक्वल टू, अब आपका टी क्या है, तो टी देखो, टी जो है वो एक टाइम पीरियड है जो कि टोटल एक सर्कल कवर करने के लिए लग रहा है. वन सर्कल रिवॉल्यूशन पूरा कवर करने के लिए आपको टाइम पीरियड टी रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हमको क्या मिल रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, और टोटल वो 2π रेडियन कवर कर रहा है. कितने रेडियस के साथ में, r रेडियस के साथ में सपोज करो, तो टी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2πr/v. क्या मिलेगा आपको, टी इज इक्वल टू 2πr/v, इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब इक्वेशन 1 से आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, mv/qb. तो r इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, mv/qb, इक्वेशन नंबर 3. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन इसी को. पुट वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. ओके, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, ये आ गया t इज इक्वल टू 2πr/v इज इक्वल टू, आप r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हो इक्वेशन. ठीक है, जब आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू आपको मिली थी mv/qb, तो ये हो जाएगा 2π into mv/qb/v. यहाँ से v और v कैंसल हो जाएगा, तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू 2π into m, डेट इज 2π into m/qb/qb. v से v कैंसल हुआ है. ओके, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4. अब t का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे लिए, 2πm/qb. Therefore, the cyclotron frequency will be, क्योंकि frequency और time period में क्या होता है, relation होता है, वो relation है f is equal to 1/t. क्या है, f is equal to 1/t, that means frequency हमेशा time period से inversely proportional में होती है. Frequency will be always inversely proportional to time period. Okay? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा, देयरफॉर fc is equal to 1/t. अब ये 1/t यहाँ पुट कर दो, तो fc is equal to, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, fc. ओके, is equal to 1/2πm/qb. ये qb क्या होगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा, तो fc is equal to क्या मिलेगा आपको, qb/2πm, इक्वेशन नंबर 5. fc is equal to qb/2πm, इक्वेशन नंबर 5.
okay. Fc is the cyclotron frequency, Fa where Fc is the cyclotron frequency, Fa is the frequency of the applied voltage, and when Fa is equal to Fc, then this condition will be known as resonance condition. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप applied voltage दिया है वो भी ऐसी form का है, उसकी अपनी frequency होगी, तो suppose करो उसकी frequency क्या है Fa, है ना, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी क्या है Fc, अगर Fa और Fc दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी साइक्लोट्रॉन की, ये एक रिजोनेंस कंडीशन होगी, क्या होगी रिजोनेंस कंडीशन होगी, ओके अब आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे अभी आगे बढ़ेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब डेफिनेटली क्योंकि एक्सीलरेशन बार बार हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली हो रहा है चार्ज पार्टिकल में, तो उसका जो रेडियस है वो बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन के कारण उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी उसकी एनर्जी क्या होने लगेगी कंटिन्यूसली इंक्रीज होने लगेगी, ओके तो डेफिनेटली क्योंकि वो मूविंग पार्टिकल है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी। द चार्ज पार्टिकल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड while traveling in the D, मतलब जब वो एक सेमी सर्कल में है तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करती, तब वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो एक D से सपोज D1 से D2 आ रहा है या D2 से D1 में जा रहा है, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है और उसमें एक्सीलरेशन डेवलप होता है, चार्ज पार्टिकल में एक्सीलरेशन डेवलप होता है, सो देयर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस by the EV, क्या है ये EV, okay? Where they move from D to another D, जब वो एक D से दूसरे D में जाता है तो acceleration आता है और acceleration की वजह से उसकी kinetic energy बढ़ जाती है, कितने से बढ़ती है वो तो E into V amount से बढ़ती है, okay? Where V is the potential difference across the gap, gap यानी दोनों सेमी सर्कल D1 और D2 के बीच का गैप जिसके across में आपने क्या रखा है AC supply provide किया है, तो where V is the potential difference across the gap, okay? So now as the kinetic energy increases, then the charge particle will carry increasing radius and at the maximum radius it will deflected by the magnetic field and extracted through an exit slit. तो यही मैं बोला हूँ, बार बार उसकी kinetic energy बढ़ेगी, उसकी radius बढ़ते जाएगी, तो एक time ऐसा आएगा जब वो maximum radius पे work करेगा, या उसी radius को आप बोल सकते हैं R exit, उस R exit को follow करते हुए वो क्या करेगा exit slit के through क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा, कहाँ से cyclotron से, okay ठीक है आगे बढ़ते हैं। So from equation 1, है ना अपना इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलने वाला है V इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर एग्जिट अपॉन एम। हम आर एग्जिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम फाइनल सर्कुलर पाथ को देख रहे हैं जहां से मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या हो रहा है एग्जिट हो रहा है, यानी जो फाइनल है मैक्सिमम रेडियस है उसी को हम क्या बोलते हैं आर एग्जिट भी बोलते हैं, ओके तो आर एग्जिट इज द रेडियस ऑफ द पाथ एट द एग्जिट। So the kinetic energy of the ions will be, अब kinetic energy का normal formula होता है 1/2 into m into v का square, तो 1/2 m into v का square is equal to 1/2 m, v की value from equation 6 आप क्या कर सकते हो यहाँ पर put कर सकते हो, तो जैसे ही आपने यहाँ put करी ये आ गया q का square into v का square into r का square r exit का square अपॉन एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एक एम ये वाला और ये यहाँ से कैंसल हो गया है ना, और ये टू इसमें मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये आपको क्या मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आर एग्जिट स्क्वायर अपॉन टू एम, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7। तो इस इक्वेशन 7 से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके फाइनल एनर्जी, क्योंकि वो उसके बाद क्या हो जाएगा एग्जिट हो जाएगा है ना। दस वी कैन से द फाइनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है किसके साथ में, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट सर्कुलर पाथ आर स्क्वायर एग्जिट, इसके स्क्वायर आर एग्जिट के स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में आ रही है। ओके थैंक यू वेरी मच है ना,
If you have any doubt, you can ask me. I will definitely try to clear your all doubts. Okay, contact me on my WhatsApp and Telegram number 7709143749. Join my channel on Telegram by this link. You can go through this link, search me on Telegram. You will definitely find my channel, Credence Educare. Okay, Navoday Maths Academy के अंडर हम ये फिलहाल क्या कर रहे हैं, ये पूरा फिजिक्स के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू वेरी मच.